लगाकर जोर कहिए जय सियाराम। वंस मोर कहिए जय सियाराम। अरे मैंने किसी की मानी नहीं तो मुझे कौन हराता। भगवान शंकर मां पार्वती को समझाते हुए हमें सिखा रहे हैं कि बहुत जल्दी मत करो भक्ति मार्ग में किसी को भी चुनने की, कोई भी क्यों ना हो। बस सुनिए, गुरुदेव नानक कहते सुनिए दुख पाप का नासू। इसलिए प्रयत्न करना जरूरी है। अब मोदी जी ने इतना प्रयत्न किया तभी तो इतनी सीटें आई हैं, प्रेम से कहिए। अगर मोदी जी भी बेचारे छुट्टियों पर होते तो इतनी सीटें देते लोग? आज भी साहब ये आदमी छुट्टी नहीं लेता है, प्रेम से कहिए जैसे। और मैं कोई झूठी प्रशंसा नहीं करता, एक बात की तो मुझे हमारे एमएलए साहब बैठे बड़ी खुशी है कि बाहर से जो भी आता था, ओबामा भी आया तो उसको संसद में नॉनवेज खिलाया गया, मुर्गे बकरे काटे गए, लेकिन इस आदमी मोदी जी ने हमारे नियुक्त होते ही संसद में बंद कर दिया है। ये धर्म संसद है, ये भारत माता की भूमि है, यहां ओबामा क्या ट्रंप भी आएगा तो हिंदुस्तान का शाकाहारी भोजन करेगा। आहार शुद्धि, क्या बकरे बड़े खाए तुमने, मुर्गे बड़े खाए, भारत का जरा शुद्ध शाकाहारी भोजन खाकर तो देखो। अब आप ये सोच रहे हैं मैं इनके सामने कोई मोदी जी की प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं, मैं तो कहता रहता हूं जब तक जिंदा तब तक मोदी ये नारा आना चाहिए, जब तक जिंदा तब तक मोदी, हमारे भारत को उज्ज्वलता पर लेकर जाने। अब वाकई लगता है अच्छे दिन आ गए हैं, अब लगता है अच्छे दिन, अब स्वतंत्रता से जी। हमारे प्रधानमंत्री के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन इस व्यास पीठ से मैं इतना तो कह सकता हूं क्या कि हमारे प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर, राष्ट्रभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। और आपके रामबन के एमएलए साहब भी कम नहीं है भैया, देख लिया हमने, नहीं तो एमएलए कोई ऐसे कलश यात्राओं में चल चल के भजन गाते, ऐसे नारे लगाते, तालियां होनी चाहिए इनके लिए जोरदार। और आपके रामबन से इसके लिए भी आपको प्रसन्न होना चाहिए। और मैं तो कह रहा था कि ऐसे व्यक्ति को तो ऊंचे पद पर होना चाहिए, थोड़े दिन में सीएम के पद पर होना चाहिए, तब जाकर के आनंद आएगा, प्रेम से कहिए। ये मैं मुंह देखी प्रशंसा नहीं कर रहा, ये राजपीठ भी इसके सामने झुकती है। पहले अखंडानंद सरस्वती जी को बुलाया जाता था, करपात्री जी महाराज को बुलाया जाता था संसद में प्रवचन सुनने के लिए, गीता पर भाषण सुनने के लिए, आज कहां संसद में। राजपीठ से बड़ी है व्यासपीठ। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि भगवान करे हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाए। जहां डाल डाल पर सोने की, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये हैं तो हम सुरक्षित हैं। कितना अभी पुलवामा में कितने हमारे सैनिक भाई मार डाले, छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, जन्म हुआ और थोड़ा सा जन्म होने के बाद पिता को पता लगा कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है, साहब वो जवान अपने घर में अपनी बेटी का दर्शन नहीं कर पाया, बम्ब से उड़ा दिया गया। किसी ने अपनी माँ से फोन पर बात की, माँ मैं ठीक ठाक हूं बिल्कुल, और बम्ब से उड़ा दिया गया, मार दिया गया। इतना बुरा हत्याकांड हुआ, लेकिन उसके साथ भी जो पुलवामा सैनिकों के साथ जो और गाड़ियां चल रही थी, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो पूछा गया, भैया जब विस्फोट हुआ तो तुम्हें डर नहीं लगा? हमारे भारत के जवान कहने लगे, डर कैसा, भाइयों को देखकर पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन हम भी हजार बार मरने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे।
और फिर मोदी जी को धन्यवाद दूं, क्या बदला लिया अटैक 42 आदमियों का सर्जिकल स्ट्राइक से। ऐसे ही साहब इस आदमी को ऐसे ही गद्दी पर नहीं बिठा दिया, बहुत जिम्मेवारी से अब ये शासन आया है केंद्र में, ये मोदी जी यूपी में, योगी जी और एमएलए साहब। इस बार राम मंदिर बनना चाहिए, इस बार राम मंदिर नहीं बने इसका तो कब मंदिर बनेगा? बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम जन्म के हेतु अनेका है देवी, एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है, परम विचित्र एक ते एका। लेकिन जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमक सयानी।